हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल अनअकैडमी गेट CCH। सो अ वेरी गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग टू एवरीवन। ओके, सो एवरीवन नोज मी टिल नाउ, माय नेम इज चेतन सक्सेना, एज यू ऑल कैन सी हियर, एंड माय बेस्ट गेट रैंक इज 55 एंड 301। आई एम एन एक्सपर्ट इन गेट, ESE एंड ऑल द टेक्निकल एग्जाम्स, एंड आई परस्यूड अ मास्टर्स फ्रॉम IIT रुड़की इन स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, एंड आई ऑल्सो सिक्योर्ड more than 19.2% in GATE 4 to 5 times, and my best GATE score is 902. Teaching experience is more than 3 years in this industry, and I have taught all these subjects written below. In sab subjects mein maine kafi command kar rakhi hai. Aur okay, so aaj hum log jo discuss karne wale hain wo transportation ka ek topic hai, jisse hum log discuss karenge runway aur taxi way ke bare mein, hai na. Kafi sare bachchon ko airports ke components ke bare mein zyada idea nahi hai, to hum log aaj airports ke components acche samjhenge. ठीक है कि कौन सा कंपोनेंट का क्या फंक्शन है, तो एयरपोर्ट के कंपोनेंट्स आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, जैसा कि लोग सनल में देख पा रहे हो. ठीक है, एंड एवरीवन नोज दिस, CS10 इज द कोड व्हिच यू ऑल कैन यूज इन ऑर्डर टू टेक प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, और आल्सो यू कैन सी अनअकैडमी फ्री लाइव क्लासेस. ओके, सब लोग अनअकैडमी की ऐप डाउनलोड करके अनअकैडमी के ऊपर जो फ्री लाइव क्लासेस चलती हैं एंड ऑल द फ्री टेस्ट व्हिच आर अवेलेबल देयर, ठीक है, वो सब तुम लोग दे सकते हो. ठीक है, और तुम लोग सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो. एंड यू कैन ऑल्सो पार्टिसिपेट इन कॉम्बैट सेशन. कॉम्बैट सेशन में क्या होता है, तुमको स्कॉलरशिप मिल जाती है और तुम्हारे जो सब्सक्रिप्शन है ये काफी कम अमाउंट बच्चों को मिल जाते हैं, तो तुम चाहो तो इसमें अच्छे खासे डिस्काउंट भी है अगर तुम मेरिट में आते हो कॉम्बैट में पार्टिसिपेट करके. कॉम्बैट एवरी संडे होता है या ऑल्टरनेट संडेज पे होता है. ठीक है, तो प्लस के सब्सक्रिप्शन के अंदर तुमको पता ही है बहुत सारी लाइव क्लासेस, क्रैश कोर्सेज, वीकली टेस्ट, डाउट सॉल्विंग, इंग्लिश हिंदी बैचेस और RIV रैंक राउंड बैचेस, सब कुछ इसके अंदर है. और आइकॉनिक में ऑल द फैसिलिटीज विच आर देयर इन प्लस वो तो है ही, प्लस साथ ही में तुमको एक पर्सनल कोच मिलता है और स्टडी प्लानर तुमको मिलता है, जिसमें मतलब क्या होता है कि अपनी स्टडी को पूरा अच्छे से प्लान करके तुमको दिया जाएगा कोच के थ्रू. ठीक है, जो तुम्हारी परफॉर्मेंस को ट्रैक करने में हेल्प करेगा. स्टडी बूस्टर सेशंस हैं, टेस्ट की एनालिसिस बहुत डेप्थ में होती है और तुमको स्टडी मटेरियल मिलता है. दैट मीन्स कि तुम अपने घर से ही बेस्ट तैयारी कर सकते हो और तुम्हें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है. ठीक है, ओके. और फीस की अगर तुम बात करो प्लस की, 1 साल की, 1.5 साल की और 2 साल की जो फीस है वो तुम यहाँ देख सकते हो, बट आफ्टर अप्लाइंग द कोड. ठीक है, कोड जरूर यूज करना, कोड अगर नहीं लगाओगे तो ऑब्वियसली तुम्हारी फीस ज्यादा होगी. ठीक है, तो यू कैन अप्लाई द कोड CS10, जिसके बाद तुम्हारी 1 साल की फीस 27225 की हो जाएगी, 1.5 साल की फीस 34650 की हो जाएगी और 2 साल की फीस 39600 की हो जाएगी. और सिमिलरली आइकॉनिक का भी तुम देख सकते हो यहाँ पे. ठीक है, आइकॉनिक फीस तुम अनअकैडमी की ऐप डाउनलोड करके देख सकते हो. बाकी सभी बच्चे सर को अनअकैडमी की ऐप पे फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे सर गेट ESE कैटेगरी में तुम लोग को पढ़ाते हैं, बढ़िया बढ़िया स्पेशल क्लासेस लेते हैं और वहाँ पे तुम लोग खूब सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस और बहुत कुछ यहाँ पे करवाते हैं. ठीक है, तो आई होप तुम लोग को सब बातें समझ में आ रही होंगी. तो ये रहा हमारा टॉपिक, जबरदस्त टॉपिक, क्या है, रनवे एंड टैक्सी वे. ठीक है, रनवे एंड टैक्सी वे. तो रनवे और टैक्सी वे क्या होता है, मेनली हम यहाँ पे आज डील करने वाले हैं कि एयरपोर्ट के अंदर क्या क्या कॉम्पोनेंट्स होने वाले हैं, क्या क्या कॉम्पोनेंट्स होते हैं. तो यार रनवे देखो, तुमने सुन भी रखा होगा, जैसे नाम में लिखा हो रनवे, इट इज अ वे ऑन विच एयरप्लेन रन्स, और रन करके एयरप्लेन हमारा क्या होता है, या तो उड़ के निकल जाएगा, या तो वो टेक ऑफ कर लेगा, या तो वो आके लैंड कर जाएगा, है ना. तो टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए जो एक वे दिया होता है एयरपोर्ट पे, उसे हम लोग रनवे बोलते हैं. ठीक है, जनरली रनवे काफी लेंथी होते हैं. ठीक है, 2.5-3 किलोमीटर के, 2.5-3 किलोमीटर इनकी लेंथ रहती है. ठीक है, ये हमारे रनवे होते हैं. और तो चलो शुरू करते हैं, हम लोग अच्छे से एक एक करके डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो पहले तुमको मैं सारे जरा एयरपोर्ट के जितने कॉम्पोनेंट्स को समझाता हूँ, फिर तुम इमेजेस के थ्रू तुमको समझाएंगे कि एक एक का फंक्शन क्या है. ठीक है, तो हमारे एयरपोर्ट पे एक रनवे होता है, टर्मिनल बिल्डिंग होती है. ठीक है, जहाँ पैसेंजर्स आते हैं, चेक इन वगैरह होता है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जहाँ से सब कुछ ऑपरेट किया जाता है. एक एप्रन होता है, ठीक है, टैक्सी वे है, एयरक्राफ्ट स्टैंड होता है, हैंगर होता है, कंट्रोल टावर होता है, पार्किंग होता है, तो बहुत सारी चीज़ें हम लोग एक एक इसको डिस्कस करते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं रनवे की. तो रनवे की जो बेसिक डेफिनेशन है, एक ऐसा रेक्टेंगुलर एरिया है, ठीक है, ऑन अ लैंड, जिसे प्रिपेयर किया था लैंडिंग एंड टेक ऑफ के लिए. ठीक है, प्रिपेयर किया था लैंडिंग, और बेसिक सी बात है ना. और ये मैन मेड सर्फेस है, जनरली कॉन्क्रीट का, एसफाल्ट का, इन सब का बनाया जाता है. ठीक है, एसफाल्ट मतलब बिटुमिन उसमें पड़ा होता है बहुत अच्छी अमाउंट में. और ये ग्रास, डर्ट, ग्रेवल, आइस, सैंड और सॉल्ट का ही बनाया जाता है रेयर केसेस में. ठीक है, रेयर केसेस में नेचुरल सर्फेस जो होते हैं हमारे, वो हमारे क्या नाम है, यो भी रन की तरह एक्ट कर सकते हैं. ठीक है, उसके बाद रनवेज एज वेल एज टैक्सी वे एंड रैम्प जितने भी हैं, ठीक है, इनको टारमैक भी बोलते हैं, कभी कभी इनको टारमैक भी बोलते हैं. ठीक है, समझो. और जो हमारे सी प्लेन्स होते हैं, तो वो जो सी पे उतरते हैं आके, ठीक है, तो वहाँ पे जो रनवे होता है उसको हम लोग वाटरवेज बोलते हैं. वहाँ पे लोग उसको क्या बोलते हैं, वाटरवेज. ओके, तो जनरली ये जो लेंस वगैरह है, ये सब जो है अलग अलग हिसाब से अलग अलग देशों में अलग अलग तरीके से रिकमेंड की जाती है. ठीक है,
और जो बॉडी है जो इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन है जो मेनली इसमें एयर ट्रैफिक में डील करती है, ठीक है, तो उसी ने ये डिसीजन दी हुई है। ये रनवे तुम देख सकते हो, बहुत ही खूबसूरत सी इमेज तुम्हारे सामने है। यहाँ पे एक एयरप्लेन है जो अभी लैंड करने ही वाला है एकदम, है ना, और यहाँ पे तुम एकदम बेहतरीन सी इमेज तुम देख पा रहे हो, और इस पट्टी के ऊपर ही उतर के आराम से थोड़ी देर में रुक जाएगा। फिर टैक्सी वे सर क्या होता है, देखो टैक्सी वे क्या होता है, जनरली जब हमारा एरोप्लेन रनवे पे उतर जाएगा तो उसके बाद उसको मूव करके जाना पड़ेगा टर्मिनल बिल्डिंग की तरफ या एयरप्लेन की तरफ या हैंगर की तरफ या कहीं भी जाएगा, वो पार्किंग एरिया में जाएगा, तो वो किसके थ्रू जाएगा, टैक्सी वेज के थ्रू। टैक्सी वे रनवे के पैरेलल में उसके बगल में होते हैं जहां पे हमारा एरोप्लेन मुड़ के चलना शुरू करता है, फिर वो एयरप्लेन हैंगर या टर्मिनल की तरफ जा सकता है, ठीक है। तो टैक्सी वे जस्ट एक पाथ है, ठीक है, जस्ट एक पाथ है जो उसको उस तरफ लेके जाता है, ठीक है। तो ये भी हार्ड सर्फेसिस होती है ताकि उसके ऊपर एयरप्लेन आराम से चल सके, मूव कर सके, ठीक है। और नेचुरल केस में ऐसा भी हो सकता है, तो ठीक है, यहाँ पे कुछ लिमिट्स वगैरह भी रहती है स्पीड के ऊपर। अब हम लोग थोड़ा सा एयरपोर्ट का और ये टैक्सी तुम देख सकते हो, जैसे मान लो ये हमारा एक लेआउट है, बहुत ही बढ़िया मैप तुम लोग लेके आए, ये रनवे हमारा, ये रनवे है, ये कनेक्टिंग रोड है, ये हमारा टैक्सी वे है बगल में, ठीक है, ये टैक्सी वे है, ठीक है, ये टैक्सी वे है जिसपे अब क्या होगा, जैसे मान लो रनवे एयरप्लेन आके यहाँ रुका तो इधर से आके मुड़ के फिर इधर ऐसे चलेगा और इस तरह से निकल आएगा, ठीक है। तो इस तरह से रहती चीजें जनरल टैक्सी वे कनेक्ट करती है उसको बिल्डिंग से, एयरप्लेन से, हैंगर से, कहीं से भी। तो यहाँ पे तुम देखो एक लेआउट देख पा रहे हो, बहुत अच्छा लेआउट यहाँ पे लेके आए सर तुम लोग के लिए, ठीक है। तुम देखो ये रनवे है मेन, ये रनवे है, ओके सर, और ये हमारा टैक्सी वे है जिस बगल में इसके, है ना, और यहाँ से इसे कनेक्ट कर सकते हैं, प्लेन यहाँ उधर तो इधर कनेक्ट कर लेंगे इधर, है ना, इस तरीके से तुम इस पे आ सकते हो टैक्सी वे। और फिर टैक्सी वे पे आने के बाद, टैक्सी वे पे चलने के बाद तुम एयरप्लेन में जा सकते हो, रैंप में जा सकते हो, ठीक है, और जो भी स्टैंड है फ्राइट की, मतलब कहीं भी तुम जा सकते हो, उसके बाद हैंगर में जा सकते हो, ठीक है। अब सर ये हैंगर, एयरप्लेन, जो आप बारह बोल रहे हैं, इन सब टर्म्स का मतलब हमको अच्छे समझना है, ठीक है। थोड़ा इमेज को एक एक करके देखते हैं। रनवे समझ गए हो, प्लेन के लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए जो प्लेस होती है, टर्मिनल बिल्डिंग जस्ट बगल में बिल्डिंग होती है, देखो इमेज में, ये देख लो टर्मिनल है, यहीं से पैसेंजर्स अंदर आते हैं और यहीं से पैसेंजर्स बाहर जाते हैं, ठीक है। टर्मिनल के हमारे अंदर चेक इन होता है, ठीक है, बहुत सारे स्टाफ होते हैं जितनी भी कंपनीज हैं उन सबके, ठीक है, टिकट्स वगैरह यहीं पर सब रहते हैं, ठीक है, काउंटर वगैरह। तो टर्मिनल बिल्डिंग हो गई। फिर सर एयरप्लेन क्या होता है, एयरप्लेन यार तुम अगर देखो इस डायग्राम में कहाँ पे है, ये देखो एयरप्लेन है, एयरप्लेन तुम एक तरह से कह सकते हो कि टैक्सी वे के बाद जो हमारा प्लेन है वो आके एयरप्लेन के अंदर जो है यहाँ पे पार्क किया जाता है एक तरह से, ठीक है। तुम एक तरह से कह सकते हो एक पार्किंग एरिया है, ठीक है, प्लेन्स के लिए। और जो हैंगर होता है सर, वो हैंगर क्या होता है, हैंगर में क्या होता है कि प्लेन स्टोर किया जाता है जैसे लंबे समय के लिए। अब एयरप्लेन में तो क्या है कि हमारे प्लेन वगैरह खड़े हुए हैं, ठीक है, मान लो उनको रात भर के लिए खड़े रहना है प्लेन, तो वो एयरप्लेन वगैरह में खड़े रहते हैं, लेकिन जो परमानेंटली प्लेन स्टोर किया जाता है वो हमारे हैंगर में करते हैं हम लोग, ठीक है। तो एयरप्लेन तुम समझ गए, हैंगर समझ गए, हैंगर के अंदर परमानेंटली स्टोर करते हैं और एयरप्लेन में आके वो खड़े होते हैं। एयरप्लेन वगैरह तुम देखोगे जहाँ पे प्लेन क्या ना पैसेंजर्स आते हैं और उसमें प्लेन में वो लोडिंग अनलोडिंग और बोर्डिंग डीबोर्डिंग सब होती है, ठीक है, तो वो जो एरिया है वहाँ पे उसको हम लोग एयरप्लेन बोलते हैं मेनली, ठीक है। उसके बाद टैक्सी वे क्या है तुमको बता दिया, टैक्सी वे ऑब्वियसली उसके जस्ट कनेक्ट बगल की रोड है जो हमको हैंगर की तरफ, एयरप्लेन की तरफ या पार्किंग की तरफ लेके जाती है, ठीक है। एयरक्राफ्ट स्टैंड ऑब्वियसली ये पार्किंग की तरह ही है, ठीक है, पार्किंग की तरह ये एयरक्राफ्ट स्टैंड होते हैं और पार्किंग भी हमारी है। फिर कंट्रोल टावर क्या होता है, कंट्रोल टावर क्या होता है, कंट्रोल टावर एक ऐसा टावर है वहाँ पे एयरपोर्ट पे जो जितने भी एयरप्लेन्स आसपास हैं उनसे कनेक्शन बना के रखता है कि वो प्लेन अभी कहाँ है, कैसे है, ठीक है। अगर कंट्रोल टावर से कनेक्शन टूटता है तो ये बहुत ही खराब सिग्नल होता है, ऐसा कभी होता नहीं जनरल, हमेशा कंट्रोल टावर क्या करता है सारे एयरप्लेन्स जो भी वहाँ से निकल रहे हैं आने वाले हैं उन सबके साथ टच में रहता है, ठीक है। तो ये होता हमारा कंट्रोल टावर जो सारे प्लेन की मॉनिटरिंग अच्छे से करता रहता है कि कब किसको लैंड करना है, किसको टेक ऑफ करना है। तो आई होप तुम लोगों को काफी कुछ सीखने को मिला होगा, ठीक है, जिसमें तुम्हारा रनवे, टैक्सी वे, एयरप्लेन, हैंगर और टर्मिनल बिल्डिंग, कंट्रोल टावर और इन सब के बारे में काफी कुछ सीखा होगा, ठीक है। तो आई होप वीडियो तुम लोगों को पसंद आई होगी बढ़िया से, और सब लोग बढ़िया से वीडियो को लाइक शेयर कर देंगे अच्छे से, एंड टेक केयर। और इसी तरह से हम लोग और भी कॉन्सेप्ट्स के साथ अब हम लोग यूट्यूब पे मिलते रहेंगे, ठीक है। और बाकी अगर तुम लोग कोई और कॉन्सेप्ट सीखना भी हो तो तुम लोग हमेशा कमेंट करके बता सकते हो, हम लोग उसमें तुरंत ही एक वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। सो टेक केयर एवरीवन।